देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में क्या लिखा है, टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो क्या होगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, या फिर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है टेंजेंट, तो ए तो 1 है यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स प्लस टी स्क्वायर, तो एक्स माइनस टी वाई प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एलिप्स है, इसको दो जगह कट कर रही, तो हमको निकालना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। लेट से ये है एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन वाई वन का लोकस निकालना है, तो ए बी की इक्वेशन है ये। इसी तरह से टेंजेंट की टर्म में यदि हम देखें तो टी इक्वल टू 0 लगा देते हैं, तो आ जाएगा एक्स एक्स वन वाई टू प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं, तो एक्स वन बाई टू बाई वन वाई वन अपॉन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ रहा है एक्स वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर, दैट इज टी आ गया माइनस टू वाई वन बाई एक्स वन कॉमा, इसी तरह से टी आ जा रहा है वन अपॉन वाई वन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस टू वाई वन बाई एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन वाई वन, तो वाई वन टू वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स वन इक्वल टू 0, ये आ गई लोकस। तो हम इसको कह सकते हैं टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। अब हमको निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं हम लोग। क्या लिखा है, फाइव कॉमा, ये है एलिप्स, इसमें हमने फाइव कॉमा लैम्डा से टेंजेंट बना दी, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू 0 से एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस फोर इक्वल टू 0, दैट इज़ फाइव एक्स प्लस फोर लैम्डा वाई माइनस फोर इक्वल टू 0, दिस पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, क्या होगा, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर कर दो, तो एक्स आ गया 4/5 और वाई आ गया 0, तो ये 4/5 कॉमा 0 से पास होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये सेंट्रिक एंगल, ये देखो बेटा, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, तो इसको लिख लेते हैं प्रॉपर टेंजेंट को, तो वाई आ जाएगा माइनस रूट थ्री बाई ए एक्स प्लस टू बी, तो सी है 2b, तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर रूट थ्री बाई 3b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया 4b स्क्वायर। अच्छा, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो सेटिस्फाई कर ही रही है इसको। अच्छा, किस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो ये होती है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, इसमें 2 इसे डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा रूट थ्री बाई ए देखो टेंजेंट की इक्वेशन में क्वेश्चन में गिवन है रूट थ्री बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, 2ab से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा रूट थ्री बाई टू एक्स बाई ए प्लस 1/2 वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो सिंपल दिख रहा है, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, सॉरी थीटा की वैल्यू होगी, सॉरी 30 डिग्री।